हेलो क्लास एट, कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम बर्ड्स, एनिमल्स एंड डिजीजेस। इससे पहले हम वीड्स और वीडिंग या फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स ये कंप्लीट कर चुके थे। तो एक्चुअली हमें क्रॉप को बर्ड्स, एनिमल और डिजीज से भी बचाना होता है, ठीक है। जैसे कि उन्हें हम जो आवारा पशु घूमते रहते हैं उनसे कैसे बचा जाए, तो उससे उसके लिए हमें फील्ड की फेंसिंग करनी होती है। बर्ड से बचाने के लिए और स्केयर बीटिंग अ ड्रम, ड्रम को बीट किया जाता है, और या फिर इस तरीके की स्ट्रक्चर बना दी जाती है फील्ड में। तो इससे जो बर्ड्स हैं वो फील्ड से दूर रहती हैं। और डिजीज बीमारियों से बचाने के लिए, तो जैसे बीमारियों में फंगी से होने वाली, बैक्टीरिया से होने वाली, वायरस से होने वाली, इनसे भी हमें क्रॉप्स को बचाना होता है। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, रस्ट एंड स्मट, ये फंगल डिजीजेस हैं वीट के लिए, ठीक है। ब्लाइट ऑफ पोटैटोज, ये भी फंगल डिजीजेस है पोटैटोज के लिए। विल्ट, ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। और ब्लास्ट, ये पैडी क्रॉप, ये भी फंगस डिजीज है। तो इनको हम किस तरीके से बचा सकते हैं? सबसे पहले बाई सोइंग डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ सीड्स, ऐसे बीज बोने चाहिए जो जिन जो हेल्दी सीड्स हों उन्हें हमें खेत में बोना चाहिए। दूसरा, उन्हें फंजीसाइड से ट्रीट करना चाहिए। तीसरा, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड और फंजीसाइड्स, और इनका फील्ड में स्प्रे करना चाहिए। अब बात आती है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट। तो पेस्ट आर द ऑर्गेनिज्म विच डैमेज द क्रॉप और मेक इट अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जैसे रोडेंट्स, रैट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड पेस्ट, इनसे भी हमें फसल को बचाना होता है, ठीक है। तो इनको हम पॉइजनस केमिकल से इनको हम मार सकते हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड भी और किल पेस्ट बट नॉट, हाँ, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो पेस्ट को खत्म कर देते हैं लेकिन फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ठीक है। तो द केमिकल्स विच के कैन किल ओनली इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिसाइड्स, जो इंसेक्ट्स को किल करते हैं उन्हें हम इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल यूजिंग पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड जब हम यूज करते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। तो अपने नाक और मुंह को बंद रखो जब पेस्टिसाइड का आप स्प्रे करते हो। वाइल स्प्रेइंग पोजिशन योर सेल्फ इन सच अ वे दैट विंड ब्लोन अवे फ्रॉम योर फेस, और इस तरीके से आपको खड़ा होना है कि हवा आपके और फेस के और उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रही हो। मींस जिधर से हवा आ रही हो उधर आपकी बैक होनी चाहिए। इमिडिएटली आफ्टर स्प्रेइंग इज डन वॉश योर हैंड्स, फेस एंड माउथ थ्रू थ्रोली विद क्लीन वाटर, और क्लीन वाटर से आपको अपने हैंड, फेस और माउथ को साफ करना चाहिए। अब हम बात करेंगे नंबर 8 पे, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप इज टर्म्ड एज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है? मैच्योर्ड, जब फसल पक्के तैयार हो जाती है तो उसको काटना, उसको इकट्ठा करना हार्वेस्टिंग कहलाता है। ये किससे होता है? हार्वेस्टर या कंबाइन से, एक मशीन होती है, ठीक है, या सिकल से भी करते हैं, हाथों से काटते हैं। तो हार्वेस्टर ग्रेन्स आर कॉल्ड क्रॉप प्रोड्यूसर, क्रॉप यील्ड, और जो कटी हुई फसल होती है, अनाज होता है, उसे हम क्रॉप यील्ड बोलते हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ अ क्रॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेरल क्रॉप शुड बी हार्वेस्टेड वेन मॉइस्चर कंटेंट इज लेस देन 14% बाई वेट। जो सेरल क्रॉप्स हैं वो तब काटनी चाहिए जब उसमें मॉइस्चर
वेट का 14% से कम हो। ओके ओके द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेसिंग। अब हार्वेस्टेड क्रॉप से ग्रेन को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। इसको हम मैनुअली बाय स्ट्राइकिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस और बाय यूजिंग अ मशीन कॉल्ड थ्रेसर। पहले क्या होता था कि फसल को हार्ड सरफेस से उसको क्रश किया जाता था, और अब थ्रेसर से हम मशीन होती है उससे हम ग्रेन को अलग कर लेते हैं। मशीन कॉल्ड कंबाइन आर यूज फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। और जो कंबाइन जो मशीन होती है वो हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों के काम आती है। ये देखो थ्रेसर पर वर्क हो रहा है और ये विनोइंग हो रहा है, ठीक है ना। तो आफ्टर थ्रेसिंग द ग्रेन्स आर टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ एंड हे। तो थ्रेसिंग के बाद जो ग्रेन्स हैं वो अलग हो जाते हैं चाफ और हे से, और इस प्रोसेस को जब चाप और हे से अलग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ विंड, हवा से, हवा की हेल्प से, उसे विनोइंग कहते हैं। ये प्रोसेस है विनोइंग का, ठीक है। और ये मशीन से या विनोइंग मशीन से भी किया जाए, या तो हवा बहुत तेज चल रही हो और या फिर विनोइंग मशीन का यूज करके ऐसा किया जाता है, ठीक है। थ्रेसर बीटिंग ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप एज वेल एज सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम हे इज डन ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली। थ्रेसर में ये काम एक साथ होते हैं। अब बात करेंगे स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। जो भी फूड ग्रेन्स हैं हमने क्रॉप से निकाल लिए, उनको स्टोरेज करना भी बहुत जरूरी है। उन्हें हमें स्टोरेज में रखना जरूरी है क्योंकि उन्हें हमें मॉइस्चर से बचाना होता है। एक्चुअली पहले उसमें मॉइस्चर बहुत होता है, तो पहले उसे सुखा के मॉइस्चर अलग किया जाता है, और मॉइस्चर कम करने से या मॉइस्चर हटाने से उसमें फंगी और माउल्स ये नहीं लगते, ठीक है। तो द ड्राइड फूड ग्रेन्स आर देन स्टोर्ड इन सुटेबल स्टोरेज। जैसे डोमेस्टिक लेवल पे हम क्या करते हैं, कंटेनर होती हैं जैसे टिन कोटेड, आयरन या मड क्ले के जो कंटेनर होते हैं उनमें रख लेते हैं। और कॉमर्शियल स्केल पे हम क्या करते हैं, उनको गनी बैग्स या फिर ग्रेन सिलोज इनमें रखा जाता है। जो गनी बैग्स होते हैं ये लार्ज गोडाउन में होते हैं और 60-70 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल्स एंड ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म अबाउट 10-15 सेंटीमीटर अबाउट द ग्राउंड। ग्राउंड से 10 या 15 सेंटीमीटर ऊपर, और जो उसकी वॉल होती है उसे 60-70 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। और जब पाथवे कॉल्ड एलीज फॉर इंस्पेक्शन और फ्यूमिगेशन आर प्रोवाइडेड इन बिटवीन द स्टैक्स, और उनके बीच में एक एलीज बोलती है, एक रास्ता बना दिया जाता है जो वहां देखने के काम आता है। ओके तो व्हेन द क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू बी स्टोर्ड इन वेरी लार्ज देन इट इज स्टोर्ड इन ग्रेन सिलोज। जब फूड ग्रेन ज्यादा मात्रा में होता है तो ग्रेन सिलोज में रखा जाता है। ग्रेन सिलोज आर स्पेशली डिजाइंड टॉल सिलेंड्रिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये देखो ग्रेन सिलोज, ग्रेन दीज सिलोज कैन स्टोर डिफरेंट स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन्स एट डिफरेंट लेवल्स। द रिक्वायर्ड फूड ग्रेन्स कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द ओपनिंग्स प्रोवाइडेड इन दीज सिलोज। और जब हमें फूड ग्रेन की जरूरत पड़ती है तो उसकी ओपनिंग में से इसको निकाल लिया जाता है। ओके तो आई होप आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आप चैप्टर एंड जो एक्सरसाइज है ये होमवर्क में है आपके लिए। इसमें आप वेरी शॉर्ट आंसर्स करोगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग, ये पूरी एक्सरसाइज आपको होमवर्क में कर लेनी है, ठीक है। और इसकी पिक्स हमें सेंड करनी है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके थैंक यू।